नमस्कार, आप सबका स्वागत है। देखा जा रहा है करीब एक महीना से देश भर में पेट्रोल के भाव बढ़े हुए हैं और जनता परेशान हो रही है। पेट्रोल के बढ़े हुए दामों से आम जनता का बजट भी बिगड़ चुका है और अब भी इससे उबर नहीं पाए हैं। सरकार के साथ साथ अब जनता भी इसका दूसरा विकल्प तलाश रही है ताकि इससे छुटकारा मिल जाए। तो ऐसे में हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी बात जिसे सुनकर आप भी खुश ही जाएंगे। कैसा लगेगा आपको अगर आपसे कहें कि आपके फेंके हुए कचरे से अब पेट्रोल भी बनेगा? जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। दरअसल ऐसी ही कुछ बात है कि सरकार अब आपके फेंके हुए कचरे और प्लास्टिक से पेट्रोल बनाने के बारे में सोच रही है। अब सोचिए, अगर ऐसा हो गया तो पेट्रोल के दाम कितने कम हो जाएंगे और आपके पैसे भी बचेंगे, यानी कम खर्च में ही काम हो जाएगा। इस पर खबर ये आई है कि भारत की सरकार एक ऐसी ही तकनीक को बनाने की सोच रही है जिससे पेट्रोल और डीजल के दाम आधे से भी कम हो जाएं। आपको बता दें कि इस तकनीक को ग्रीन तकनीक कहा जाता है। इस पर कहा जा रहा है कि अगर ऐसा वाकई हो गया तो तेलों के दाम आधे से भी कम हो जाएंगे। भारतीय शोधकर्ताओं ने प्लास्टिक के कूड़े से निपटने के लिए नई तकनीक बनाई है। इस पर सूत्रों ने बताया है कि इस अनोखी तकनीक से जो पेट्रोल डीजल बनेगा वो साधारण से कहीं अधिक अच्छा होगा, साथ ही कम दाम में भी मिलने लगेगा। जानकारी के लिए बता दें, पहले ये तकनीक सिर्फ जर्मनी और अमेरिका के पास ही थी, लेकिन अब ये भारत में भी आ रही है, जिसे कई फायदे होने वाले हैं।